हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम आरआरबी एसएससी एग्ज़ाम 1 सितंबर 2015 को जो हुआ था उसका हम सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इन द लोएस्ट परसेंटेज इन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है कंपोजिशन क्या होता है? लाइम जो है CaO सबसे ज़्यादा होता है, 60-65%। सिलिका जो है SiO2 17-25% होता है। एलुमिना Al2O3 3-8% होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 0.5-6% के रेंज में होता है। मैग्नीशिया जो है MgO 0.5-4% के रेंज में होता है। सोडा प्लस पोटास Na2O प्लस MgO जो है 0.5-1% के रेंज में होता है। तो यहाँ पे बोला लोएस्ट परसेंटेज जो है ऑक्साइड क्या होता है? सोडा एंड पोटास होता है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है, लाइम जो है 60-65% तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS-456 द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो है MPa में निकालना है ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 जिसका FCK का वैल्यू जो है 50 MPa दिया है वुड बी। यहाँ पर फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालना है, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है FCR फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। यहाँ पे FCK जो है 50 दिया है तो 0.7 अंडर रूट 50 को सॉल्व करेंगे तो 4.9 MPa आ जाएगा। तो ऑप्शन A1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे M50 जो है ये जो है 50 दिखा रहा है, 28 डे पे जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है। M50 का मीन्स हो गया FCK का वैल्यू जो है 50 MPa है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्यूर लाइन ज्वाइन ऑल द पॉइंट हैविंग ऑप्शन है इक्वल एलिवेशन को ज्वाइन करता है या जीरो एलिवेशन को, सिमिलर रेफरेंस पॉइंट को, इक्वल वर्टिकल एंगल को। तो कंट्यूर लाइन जो है क्या होता है, इक्वल एलिवेशन को जो ज्वाइन करता है उस लाइन को हम कंट्यूर लाइन कहते हैं। कंट्यूर लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक्वल एलिवेशन को जो पॉइंट ज्वाइन करता है उसे हम कंट्यूर लाइन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ए कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरली टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोड। ऑप्शन है टॉर्शनल, टेंसाइल, कंप्रेसिव, सीयर। तो कॉलम जो है इस टाइप का होता है, इस तरह का। तो इस पर जो है ऊपर से लोड लगता है, तो ये इस पर जो है लोड लगेगा कंप्रेसिव। तो डिजाइन हम करते हैं कंप्रेसिव लोड के लिए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर Fe415 इज। तो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस पूछ रहा है Fe415 का क्या होगा। तो Fe415 जो दिखा रहा है ये इसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस है। तो 415 ही जो है MPa या फिर न्यूटन MM² दोनों इक्वल होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेड जो है स्टील का जनरली हम 3 टाइप का यूज करते हैं। Fe250 इसका जो है मिनिमम यील्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन MM² या फिर इक्वल ये है 250 MPa के। सेकेंड टाइप का ग्रेड होता है यूज हम जो करते हैं Fe415, इसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस 415 हो जाएगा। Fe500 इसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस 500 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्रेकिंग द फॉर्म फोर कॉलम एज पर IS-456 इज 14 डे, 7 डे, 3 डे, 60-24 डे, आवर। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग ऑफ या फिर हम रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क किसे कहते हैं, जैसे कोई कंक्रीटिंग करने से पहले कॉलम या स्लैब का हम प्लाई या फिर वुड देते हैं, तो वो जो है कंक्रीटिंग करने के बाद हम कितना टाइम के बाद हटाएंगे वो होता है। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम बिफोर स्ट्राइकिंग द फॉर्म फॉर कॉलम के लिए जो है ये 16-24 आवर होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सॉइल द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी मोर वॉल्यूम रिडक्शन इज कॉल्ड। अगर सॉइल में मॉइस्चर है, वाटर है,
उसको अगर हम ड्राई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि वॉल्यूम डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, तो उस वाटर लिमिट को हम जो है श्रिंकेज लिमिट कहते हैं, उसे हम श्रिंकेज लिमिट कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट पे जो है के बाद अगर हम कितना भी ड्राई सॉइल को करेंगे वॉल्यूम जो है चेंज नहीं होगा, उससे कम नहीं हो सकता है, चाहे हम पूरा ड्राई कर दें सॉइल। तो ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ कंपैक्शन फॉर सैंड इज यूजली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, न्यूक्लियर डेंसिटी मीटर। इसका जो है सही आंसर है रिलेटिव डेंसिटी। हम जो है डिग्री ऑफ कंपैक्शन सैंड को हम मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी से। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मीन। ई जो है यहाँ पे क्या है, वॉयड रेशियो, मैक्सिमम वॉयड रेशियो है, नेचुरल सॉइल का वॉयड रेशियो है, मैक्सिमम वॉयड रेशियो है और मिनिमम वॉयड रेशियो है। ये जो है डेंस, कितना सॉइल डेंस है, ये जितना ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी होगा उतना डेंस सॉइल होगा। तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। डिग्री ऑफ कंपैक्शन फॉर सैंड यूजली हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी से। नेक्स्ट है, नॉर्मली व्हेन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाइड्रेट्स, क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब होगा या हीट इवॉल्व्स होगा। ऑप्शन थर्ड है, हीट नाइदर इवॉल्व्स नॉर इज एब्जॉर्ब। ऑप्शन फोर है, सीमेंट पेस्ट कूल डाउन बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सीमेंट और वाटर में रिएक्शन होके जो है क्या होता है, जैसे जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, उसमें जो है हीट इवॉल्व होता है जिससे हमें स्ट्रेंथ प्राप्त होता है, तो हीट रिलीज होता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता है, हीट जो है इवॉल्व होता है। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, हीट इवॉल्व्स। नेक्स्ट है, ए फ्लूड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड चेंजेज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग फ्लोइंग इज कॉल्ड। ऑप्शन है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहेंगे या यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे, कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल फ्लो कहेंगे, नॉन लीनियर फ्लो कहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड चेंज हो रहा है। डेंसिटी कब चेंज होगा, जब हम कंप्रेस करेंगे फ्लूड को, तब जो है डेंसिटी चेंज होगा। अगर हम कंप्रेस नहीं करेंगे, इनकम्प्रेसिबल होगा, तो क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूड चेंज, डेंसिटी चेंज हो रहा है इसलिए कंप्रेसिबल फ्लो हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले हैज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ UCS दिया है 240 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इज अनडिस्टर्ब स्टेट। सॉइल क्ले का जो है अनडिस्टर्ब स्टेट में UCS दिया है। उसके बाद कह रहा है, द क्ले वाज देन रिमोल्डेड, द क्ले वाज देन रिमोल्डेड एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाज फाउंड टू बी 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज, तो सेंसिटिविटी ऑफ क्ले निकालना है, तो यहाँ पे रिमोल्डेड हो रहा है, पहले जो है अनडिस्टर्ब सॉइल था, उसके बाद जब रिमोल्ड करेंगे सॉइल को, अगर हम जो है रिमोल्ड करेंगे तो स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगा, पहले से अनडिस्टर्ब से तो डिक्रीज पहले से कम जाएगा स्ट्रेंथ, तो रिमोल्डेड के बाद जो है स्ट्रेंथ जो है कितना हो रहा है, 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच रहा है। तो सेंसिटिविटी निकालना है, सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है UCS अनकन्फाइंड कंप्रेसिव जो है स्ट्रेंथ जो है अनडिस्टर्ब सॉइल का बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है रिमोल्डेड सॉइल का, इसका रेशियो को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो UCS अनडिस्टर्ब का दिया है 240 और UCS रिमोल्डेड का दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, तो इसका रेशियो जो है 4 आ जाएगा, तो सेंसिटिविटी जो है 4 आ गया। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टी विच कैरेक्टरिस्टिक्स द रेसिस्टेंस विच अ फ्लूड ऑफर्स टू अप्लाइड शियर फोर्स इज कॉल्ड। तो रेसिस्टेंस जो फ्लूड में होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है रिलेटिव डेंसिटी, इलास्टिसिटी, फ्लूडिटी, विस्कोसिटी। तो दो लेयर के बीच जो है फ्लूड के बीच जो फ्रिक्शन होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, विस्कोसिटी।